यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। यशाया अध्याय 20। जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान के अश्तोद के पास आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष में यहोवा ने आमोस के पुत्र यशाया से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। सो उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरा। और यहोवा ने कहा कि जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और चमत्कार हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्री गुलामों को और कूश के देश निकाले हुओं को, क्या लड़के क्या बूढ़े, सबों को बंधुए करके उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो और वे कूश के कारण जिस पर उसकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो जिस पर हम आशा रखते थे और जिसके पास हम अश्शूर के राजा से वचन के लिए भागने को थे, उनकी तो ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे।